हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे गाइस, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई भी आप जो हरियाणा पेपर देने वाले हो, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण पर्सन है। आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है गाइज। अगर आप जीके में 22 में से 22% ठीक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और गाइज, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, म्यूर झील हरियाणा में कहाँ पर है? आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि म्यूर झील हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, वहां पे एक म्यूर स्टेडियम भी है, ठीक है? म्यूर स्टेडियम और म्यूर झील दोनों ही फरीदाबाद में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि फरीद गुफ्त कहाँ पे है, तो वो भी आपका फरीदाबाद में लोकेटेड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है, तो आपका वो भी फरीदाबाद में होगा, ठीक है? तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, झरना मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? आपका अगला क्वेश्चन है, झरना मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो गाइस, आपका इसका आंसर भी हो जाएगा फरीदाबाद। जो आपका झरना मंदिर है दोस्तों, वो भी आपका फरीदाबाद में स्थित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक फूल मंडी हरियाणा में कहाँ स्थित है? आपसे प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक फूल मंडी हरियाणा में कहाँ स्थित है, ठीक है? तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव भी बोल देते हैं। गुरुग्राम अभी इसका नया नाम रखा गया है, ठीक है? और गाइस देखिए, यहाँ पे फूल गेंदे, यहाँ पे मतलब ये जो गुरुग्राम है गाइस, एक तो यहाँ पे झाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे गेंदे के फूल जो होते हैं, यहाँ पे यहाँ के प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे पेपर में कि गेंदे के फूल कहाँ पे ज्यादा हैं, तो गुरुग्राम मतलब कि गुरुग्राम आप इसका आंसर दोगे, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब कि रजनीगंधा और ग्लेडियस फूल दो नाम के हरियाणा में फूल होते हैं, ग्लेडियस और ये एक रजनीगंधा और ये गेंदे के, ठीक है? गेंदे के होते हैं गुरुग्राम में और ग्लेडियस और रजनीगंधा आपके होते हैं फरीदाबाद में। ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी, ग्लेडियस और रजनीगंधा होते हैं फरीदाबाद में और गेंदे के फूल जो होते हैं ये होते हैं गुरुग्राम में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस नक्षत्र में दिया जाता है? काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफी बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए आपको मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस नक्षत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खेती में। जो गाइज ये पुरस्कार है चौधरी देवीलाल, ये खेती के नक्षत्र में दिया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्य समाज की शाखा अंबाला में कौन से वर्ष खोली गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लीजिएगा, ठीक है? आर्य समाज की शाखा अंबाला में कौन से वर्ष खोली गई? आपका इसका आंसर हो जाएगा 1891 में, ठीक है? और गाइस देखिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें 14 मेंबर थे। और गाइस 1891 में ही झज्जर में भी ये शाखा खोली गई थी, आर्य समाज की शाखा। इसमें आपके टोटल सदस्य थे 13, ठीक है? आपसे पूछा जाए आर्य समाज की शाखा अंबाला में कौन से वर्ष खोली गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1891 में। इसमें कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। अगर आपसे पूछा जाए झज्जर में कब खोली गई, 1891 में खोली गई थी, कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। और फर्स्ट टाइम हरियाणा में आर्य समाज की शाखा कब खोली गई और कहाँ खोली गई, तो क्या इसका आंसर आपका हो जाएगा रेवाड़ी में 1880 में, ठीक है? तो गाइस अपना नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गाइस देखिए, वाणिज्यिक फसल होती है नकदी फसल, ठीक है? जिसमें आपको नकद दाम मिले, ठीक है? जिसको आप बेच सकते हो, आपकी वाणिज्यिक या फिर नकदी फसल कहलाती है, ठीक है? इसमें आपके आते हैं गन्ना और कपास। आपसे क्वेश्चन है गाइस कि आप ये बताइएगा मुझे कमेंट में कि गन्ना और कपास कौन सी फसल है, रबी की है, जायद की है, फिर खरीफ की फसल है? आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में गेहूं उत्पादन में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस आपका फोर्थ, ठीक है? जो हमारा हरियाणा है गाइज अब चौथे नंबर पे आता है, पहले ये थर्ड नंबर पे था, ठीक है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्रम वाइज से, फर्स्ट नंबर पे हमारा यूपी आता है, सेकंड पे पंजाब आता है, और थर्ड नंबर पे एमपी आता है, मध्य प्रदेश, और फोर्थ नंबर पे अब हरियाणा है, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा है जो गेहूं उत्पादन में कौन स्थान पे है, तो आपको फोर्थ स्थान करना है वहां पे, ना कि थर्ड स्थान करोगे आप। अब थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश आ गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, बाजरा हरियाणा के कौन से जिले में पाया जाता है? तो गाइज यहाँ पे देखिए आंसर भिवानी। गाइज देखिए, 1% जो बाजरा होता है हरियाणा में, सिर्फ 1% बाजरा होता है जो बाहर की जगह जाता है, तो ओनली 1% होता है बाजरा, वो भी हमारे
हरियाणा के भिवानी जिले से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, भिवानी जिले को बॉक्सिंग हाउस, बॉक्सिंग क्लब भी बोल देते हैं और मिनी क्यूबा भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है पेपर में बॉक्सिंग से रिलेटेड, तो आपका इसका आंसर 100% भिवानी होगा। हमारे जो भी विजेंद्र सिंह हैं वो भी हमारे भिवानी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक बॉक्सिंग प्लेयर हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिरन पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, हिरन पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा हिसार गाइस। ठीक है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कितने मंडल हैं? गाइज इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और गाइज आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज मुझे बताइएगा। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनानी है नहीं बनानी है, क्वेश्चन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर पूछे गए, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनानी जरूरी समझी, तो मैंने बना दिया। आपका फर्स्ट ऑप्शन देखिए 4, बी ऑप्शन का 5, सी ऑप्शन आपका 6, डी ऑप्शन है 8। आप कमेंट कीजिएगा हरियाणा में अभी कितने मंडल हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। ठीक है, और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनानी है हरियाणा जीके से रिलेटेड, आप मुझे बताइए कमेंट करके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड थैंक यू सो मच, मिलते